सभी प्रकार के कपड़ों की कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टी एस टेलर पॉइंट को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, टी एस टेलर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सादा वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताएँगे। आज का मेजरमेंट देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा ब्लाउज है, इसी के मेजरमेंट के हिसाब से आज हम सादा वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करके आपको बताएंगे। सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं दोस्तों। हमारा लंबाई है 13.5 इंच और हमारा चेस्ट है 19 को आ रहा है दोस्तों, डबल करेंगे तो ये 38 इंच होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा सामने गला कितना है देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने गला हमारा है 6.25 इंच। अब देख लेते हैं दोस्तों आस्तीन हमारा है 7.25 इंच और हमारा मोहरी है 4.25 इंच और हमारा आर्म होल है 6 इंच। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा शोल्डर, ये देखिए दोस्तों हमारा 10 इंच शोल्डर है और पीछे का हमारा गला है दोस्तों। यहाँ से हम लोग मेजरमेंट लेंगे क्योंकि हमारे कस्टमर ने बोला है कि गला थोड़ा सा डाउन करना है, तो हम लोग यहाँ पर मार्क लगा लिए हैं, तो इस यहाँ से ही हम लोग इसका मेजरमेंट लेते हैं। हमारा पीछे गला है 7.5 इंच। इसी मेजरमेंट के हिसाब से आज हम दोस्तों डायरेक्ट कपड़े पर सादा वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करके बताएंगे। सबसे पहले ऐसे डबल करके फोल्ड कर लेना है कपड़े को, उसके बाद यहाँ पर सीधा कर लेना है, ये देखिए दोस्तों हमने सीधा कर लिया है। हमारा लंबाई है 13.5 इंच तो हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, 13.5 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो हमारा होगा 14.25 इंच। 14.25 इंच पे यहाँ पर मार्क लगा लेना है, यहाँ पर भी 14.25 इंच पे मार्क लगा लेना है और इसको सीधा कर लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ 4 इंच पे डाउन करना है और इसको भी सीधा कर लेना है। अब आ जाते हैं दोस्तों शोल्डर। हम यहाँ पर शोल्डर को 5 इंच लेंगे क्योंकि हमारा चेस्ट जो है 38 इंच है। देखिए दोस्तों शोल्डर जो है टोटल अनुभव का काम है, फिर भी एक बार ब्लाउज से मेजरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद अनुभव से हम लोग ये शोल्डर को रखते हैं। तो हमारा चेस्ट 38 इंच है तो हम यहाँ पर 5 इंच का शोल्डर रखेंगे और गले को यहाँ पर 2.25 इंच का रखेंगे, यहाँ पर भी ले लेंगे 5 इंच और इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं चेस्ट हमारा है 38 इंच तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9.5 आएगा और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे दोस्तों, एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच लेंगे, यहाँ पर भी 9.5 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन क्योंकि हमारा पीछे पल्ला को 1/2 इंच कम करना रहता है चेस्ट को, इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों, इसको भी सीधा कर लेंगे और यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगा लेंगे और इसको राउंड कर लेंगे ऐसे। अब हमारा गला सामने गला था 6.5 इंच, गले की गहराई है 6.5 इंच सामने गला की, तो यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 2.25 लिया है तो हम यहाँ पर 2.5 इंच ले सकते हैं, देखिए हमने 2.5 इंच ले लिया है, इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बेल्ट के लिए मार्क लगाएंगे। हम यहाँ पर दोस्तों बेल्ट पट्टी को
2.25 इंच में रखेंगे, 2.25 इंच रखेंगे तो 2.25 में 0.25 इंच ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ आएगा 3 इंच। 3 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे, यहाँ पर भी 3 इंच पे, यहाँ पर भी 3 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और इसको सीधा रखेंगे। हमने बेल्ट पट्टी को हमारा रेडी होकर 2.25 इंच आ गई है। चाहे तो आप 2 इंच भी रख सकते हो या 2.5 इंच भी रख सकते हो ये बेल्ट पट्टी को, और हमारा सामने पल्ला ऊपर की तरफ रेडी होकर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा 11.25 इंच है, तो 11.25 इंच हमेशा हम लोग सामने पल्ला में भी 0.5 इंच ऐड करते हैं तो हमारा रेडी होकर ये 10.5 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग 0.5 इंच ऊपर की तरफ से डाउन करके एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ पर 2.75 पे एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ से 1 इंच यहाँ पर मार्क लगाना है और यहाँ पर ऐसे सेंटर निकाल लेना है और ऊपर की तरफ 2 इंच ऐसे मार्क लगा लेना है और इसको ऊपर की तरफ सीधा सीधा कर लेना है दोस्तों, और इसको यहाँ से भी ऐसे सीधा कर लेना है दोस्तों, इसको वैसे सीधा कर लेना है। ये हमारा डार्ट के लिए हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर 1.5 इंच इस तरफ हमको एक मार्क लगाना है, ये देखिए दोस्तों 1.5 इंच, यहाँ पर भी 1.5 इंच पे मार्क लगाना है और इसको ऐसे सीधा कर लेना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर भी सीधा कर लेना है, ये हमारा ऐसे सीधा। अब ये ऊपर की तरफ 1.5 इंच लेना है दोस्तों, ये मार्क लगा लेना है और इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर लेना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, हमने यहाँ से यहाँ 2 इंच ऊपर की तरफ डार्ट के लिए लिया और यहाँ से यहाँ इस तरफ 1.5 इंच और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच और ये गले को राउंड कर लेते हैं दोस्तों और इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधा कर लेंगे। ये हमारा सामने पल्ला कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कट लगा लेना है और यहाँ पर भी एक कट लगा लेना है। यहाँ पर दोस्तों गले को हम लोग 2 पॉइंट जैसे डाउन करते हैं वैसा कर लेना है, यहाँ पर गले को 2 पॉइंट डाउन कर लेना है। और इसको भी कट कर लेना है। अब दोस्तों हम पीछे पलक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको अच्छे से सीधा कर लेना है। देखिए हमने सीधा कर लिया, हमारा लंबाई है 12.5 तो पीछे पल्ला में 0.5 इंच ऐड करना है। हमने सामने पल्ला में 1.5 इंच ऐड किया था, एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था तो हम यहाँ पर 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो 12.5 में 1.5 इंच, सॉरी 12.5 में 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो हमारा आएगा 13.5। 13.5 पे एक मार्क लगा लेंगे, यहाँ पर भी 13.5 पे एक मार्क लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों। अब हमारा पीछे का गला था, ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ से लिया था, हमारा 7.25 है पीछे का गला तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ 0.5 इंच ऐड करके 7.25 पे, ये हमारा 7.25 गला है तो इसमें 0.5 इंच ऐड करके इसमें मार्क लगाना है। अब हमने यहाँ पर गला लिया था 2.25 इंच और शोल्डर लिया था हमने 5 इंच
एक गले की तरफ दो पॉइंट डाउन कर लेना है। यहाँ पर हमने 102 इंच लिया है गले को, तो हम यहाँ पर 3 इंच ले सकते हैं दोस्तों। इसको सीधा कर लेंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने 4.5 इंच लिया है, अब देखते हैं दोस्तों चेस्ट। हमारा चेस्ट था 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करे थे तो 9.5 इंच आया था, तो 9.5 इंच पे यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। और हमने सामने पल्ले में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमारा सादा वाले बेल्ट ब्लाउज में पीछे पल्ला 1/2 इंच कम रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हमारा 9.5 यहाँ पर भी वैसे लगा लेंगे, 9.5 और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों, इसको भी सीधा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों पीछे पल्ला को हम ऐसे रखते हैं हमेशा ब्लाउज कटिंग में, इससे परफेक्ट हमारा नाप आ जाता है, अच्छे से सेट करके रख लेना है। शोल्डर को ऐसा बिल्कुल मिलाना है और चेस्ट को भी। अब हम लोग पीछे पल्ला में ऐसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। देखिए दोस्तों हमने मार्क लगा लिया है। अब ये सामने पल्ले को हम हटा लेंगे, ये हमारा पीछे पल्ला का ड्राइंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम इसको कटिंग करेंगे, चलिए दोस्तों कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर डार्ट के लिए लगाएंगे दोस्तों, ये हमारा डार्ट के लिए, इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। ये हमारा डार्ट के लिए हो गया, ये हमारा पीछे वाला भी कटिंग हो गया। अब दोस्तों हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को ऐसा फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों ये देखिए हमारा जितना आर्म होल है प्लस उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के 1.5 इंच या 1/2 इंच जैसे भी एक्स्ट्रा मार्जिन आप लेना चाहते हो कपड़े के हिसाब से वैसे। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के हमारा 6 इंच आर्म होल 6 इंच है और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो हमारा यहाँ पर आएगा 7.5। तो 7.5 इंच पर कपड़े को अच्छे से सेट कर लूँगा मैं यहाँ पर। देखिए हमारा 7.5 पे सेट हो गया है। अब ये अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग है, अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज की, इसलिए हम लोग अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज के हिसाब से ही हम लोग आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमारा आस्तीन है 7.5 इंच, तो हम इसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट इधर दबेगा और 3 पॉइंट इधर, तो 1/2 इंच होता है। तो हम यहाँ पर 7.5 पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो हमारा आएगा 7.5। 7.5 पे यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे, यहाँ पर भी 7.5 पे एक मार्क लगा लेंगे और 2.5 इंच नीचे तरफ डाउन कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों, इसको भी सीधा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आर्म होल था 6 इंच, तो हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क लगा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमने सामने पल्ला में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों, इसको भी सीधा कर लेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा 6 इंच आर्म होल है, तो 6 का 1/2 होगा 3 इंच, एक मार्क लगा लेंगे और इसको थोड़ा सा डाउन करते हुए यहाँ पर सीधा कर लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधा कर लेंगे और यहाँ से ऐसे राउंड करते हुए इसको राउंड दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों, हमारा आस्तीन का भी कटिंग हो गया है। अब हम इसको एक साइड को डाउन कर लेंगे दोस्तों, लगभग आधा इंच। ये देखिए दोस्तों, हम एक साइड को डाउन कर लिए हैं। ये डाउन किया हुआ पार्ट हमारा सामने पल्लम आएगा और जो डाउन नहीं किए हैं वो पीछे पल्लम है। ये देखिए दोस्तों, हमारा आस्तीन भी कटिंग हो गया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों।